रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें दो युवक घायल हुए हैं। बताया जाता है कि युवक के द्वारा आरोपियों के बहन के मोबाइल में कुछ मैसेज भेजा गया था, जिसे देखकर भाई भड़क उठे और युवक को अकेला पाकर दो डंडे से हमला कर दिया। उस समय तो युवक वहां से भाग निकला, लेकिन सुबह एक बार फिर युवकों से मुलाकात हुई तो वह मारने वालों को समझाइश देने लगा कि मारने से पहले बातचीत क्यों नहीं की। युवक की सलाह देना दोनों युवकों को नागवार गुजरा और पुनः मारपीट करते हुए चाकू घोंप दिया। घटना को देख रहे युवक ने बीच बचाव किया और आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं चश्मदीद युवक का पूरी घटना के संबंध में क्या कहना है। यह घटना शाम के रही। साँझ के कारण बच्चे मैसेज करें उनके बहनी का। जब मैसेज करें तो कहें मैसेज जो कहे या हम कहीं पता का मैसेज करें। सवेरे कहें कि सवेरे हम आओ गांव पे। उन लड़का जी मैसेज करे कि जब आए तो भाई दिखिस, भाई दिखिस तो गांव गा तो उनके दुई लाठी। अब हम और पहुँचे नहीं जहाँ लाठी मारे, पर जब सुनने में आवा तो दुई लाठी मारी सुन के दोनों जन के जीजा और सार दुई लाठी मारी। उसके बाद वह आदमी चला हुआ अपने घर थी। जब 10 बजे नियम रहा तो पंचे ले जाते भैंसी बांध तालाब के पास, तालाब के पास भैंसी लेके गए तो पंचे लौटते हुआ लड़का गए। वह अकेले लौटे तरह भैंसी बैठे दो जने जाते हैं, बाप और लड़का जाता है भैंसी बांध। तो बाप चला यात्रा खेते और लड़का लौट आता है। तो जहाँ से जब लौटे रहा तालाब के पास, जब अकेले निकले लग तो पंचे गे रहे हैं बैठाए नौका बैठाए तो कहे ये बतावा मारे का है तुमका बात न करे चाहे तो कहे तो हमारे बहन के साथ ही कमेंट कर रहे हम बात कर तुमसे। उनके पास बैठाए जब उनका बैठाए नहीं लगे बैठाए कहे कि तुमका बातचीत न करे चाहे तो लाठी का है मार के हमारे बहनी के ऊपर यह कर रहा था तुमसे बातचीत करी। तो ऐसे कहे कि नहीं तो मारने के ऊपर एक आदमी ओके लाठी मारे थी उन पीड़ित को। जब लाठी मारे ओके इतने वहाँ मोहन के खड़े रहे तो हम लाठी पकड़े लागे तो लाठी पकड़े लागे सामने एक आदमी के नीचे से वो आदमी इनके गले में छुरा मार दी। जब ओखा दिखे की कारण अबे हम यह नहीं समझ पाए कि छुरा लगा लागे। जब वह आदमी का पकड़े रहे तो ओखा जब साइड करें जब साइड करे गया कि दोबारा किधर की हिया छुरा मार दी आदमी। ठीक जब उन पिल्ल से निकला तब समझ में आवा कि छुरा आया ये लगा लागे। तो ऐसे हम उनका हम लोग जल्दी जल्दी छुड़ा के लैया उनका चल मतलब जल्दी घरे चल कि घरे चलें तो इतने हमका साइकिल वाला एक तालाब के पास निकला था। तो जल्दी से हम घर में बैठा है वो साइकिल में और जल्दी से लेके गए घर। जिससे घरे गए तो वो दिखे तो फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस का फोन ला। फिर एम्बुलेंस नहीं आता कर रही है जल्दी से दुई चक्का से लेके आए अस्पताल सरकारी अस्पताल बूढ़े बाकी कुछ देर रोए और मैडम मैडम नाज के ऊपर ही डॉक्टर एक को नहीं रहे। मैडम आई थी फिर कारण एक सूजी लगाई और फिर कारण उनके पास निजी वाहन रही चाचा के तो उनका लेकर आई के यहाँ पहुँचवा दी अस्पताल में इलाज जाए। क्या नाम है इनका? उनका मंथन मिश्रा और मारे है वह सनी सचिन और एक जीजा। ये कहाँ के रहने वाले जो मारे हैं? उमरी ग्राम। थाने में इसकी सूचना दी है आप? थाने हाँ थाने। कौन से थाने में? गुड़ थाने। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मिश्रा। मैं जिसको चोट लगी है वो हमारा भतीजा है मंथन मिश्रा निवासी ग्राम उमरी पोस्ट करौंदी थाना तहसील गुड़ ये अभी
आईटीआई कॉलेज रीवा में आईटीआई करता था, अभी 15 दिन पहले गांव आया था और खेत जा रहा था, तालाब के आगे खेत है हमारा, तो वहाँ भैंसी बांधने गया था। वहाँ से लौटते समय गांव के ही तालाब के पास उनका घर है, वो भी मिश्रा हैं, दो लड़के सनी मिश्रा और सचिन मिश्रा, और उन लड़कों का एक बहनोई था जो कि यहाँ रीवा के पास इटौरा के पास कहीं उसका घर है, तो ये तीनों मिलके उसको वहाँ पे मारे। और एक लड़का हमारे गांव जो हमारा गांव में घर है उसके बगल का था, तो वो अचानक पहुँच गया, अगर वो लोग पहुँचता तो वो लोग लगभग मान लीजिए कि अभी 3 छुरा लगा है, एक छुरा उसके लगा है यहाँ सीने में जिसके कि फेफड़े तक पहुंच गया है, डॉक्टर ने बताया कि फेफड़े में हवा भर गई है तो डालना पड़ेगा नली, एक छुरा उसके दाहिने यहाँ गले में लगा है और एक हाथ में लगा है सर। अभी कैसी हालत है? हालत अभी तो वो मतलब बोल रहा था, आँखों विवाद का कोई विवाद नहीं है, गांव का मामला है, हल्का विवाद कोई नहीं था, एक मतलब उसको बुला के बैठाए पहले, मतलब एक ही गांव के हैं, एक ही परिवार के हैं, उसको बुला कर पहले बैठाए और अचानक उसको वो पकड़ लिया, वो जो रीवा वाला लड़का था उसका नाम नहीं मालूम है, उस लड़के का बहन हुई वो पकड़ लिया, और वो सोचा कि हो गया, 2-3 बार ऐसे उगाया, सोचा नहीं मारेगा, और वो फिर 3-4 बार कर दिया उसके ऊपर। आपका नाम क्या? हमारा नाम नवीन कुमार मिश्रा है। पुलिस आई थी? पुलिस गांव गई थी, 100 नंबर को फ़ोन लगाए थे, गुड़ इसको लेकर हमारे छोटे वाले भाई गुड़ लेकर आए मोटरसाइकिल से। घटना कहाँ पे हुई? घटना गांव में हुई है, यहीं गुड़ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वो लेकर आए गुड़, गुड़ में वो एक लेडी डॉक्टर थी, तो वो बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप रीवा लेकर जाइए, 108 थोड़ा लेट थी, तो उसको हमने मतलब निजी गाड़ी में लेकर रीवा चले। परिवार के आरोपी विश्रय है, परिवार का है, दूर का परिवार है। हाँ,